हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक बार से स्वागत है देखिए मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है किसी को नहीं पता बट मार्केट में अच्छे पैसे कमाने के लिए मार्केट को समझना बहुत जरूरी है और अगर मार्केट को समझोगे तो पैसे कमते रहेंगे अगर मैं आपको यहाँ पर एक बात चीज बताऊँ कार ट्रेड कार ट्रेड के लिए लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे ओके okay, यहाँ पर देखिए मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था कि पेशेंस रखने वाली चीज़ होती है पेशेंस अगर जिसके पास होगा पैसा यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर जिनके पास पेशेंस नहीं है और जो इस लेवल पर अटके हुए हैं जहाँ पर मैंने आपको बाइंग करने के लिए कहा था तो यहाँ पर ये यह बहुत जल्दी लगभग रिजल्ट से पहले शायद यहाँ तक आपको आता हुआ दिखाई देगा In that case, पर आप चुपचाप निकल जाना क्योंकि इस तरीके के, आप लोग के लिए दिखाई देते हैं भी भी है। तो किसी ने ज्यादा पैसा लगाया होगा उसके पास एवरेज करने के लिए यहाँ पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर आप लॉस में बट यहाँ पर आके अगर आप यहाँ पर बायोन डिप्स करते तो आज के रेट में एवरेज आता और आप बीच में यहाँ पर आके कभी भी यहाँ पर निकल सकते थे और इस यही मार्केट का तरीका होता है मार्केट को प्ले करने का तरीका होता है एक रिजल्ट भी बेकार थे और एज वेल एज यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर भी था जस्ट बिकॉज मार्केट गिरती हुई नजर आ रही थी इस वजह से ये शेयर इतना लो आया था हुआ दिखाई दिया था और लास्ट टाइम भी जब वीडियो बनाई थी तब भी मैंने आपसे बात बताया था कि यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं तो अब बात करते हैं ऐसे स्टॉक से रिलेटेड कि जहाँ पर आपका पैसा बनता हुआ दिखाई देगा आईई एक्स का छोटा भाई यहाँ पर उसके शेयर को नाम दे देते हुए नजर आ रहे हैं देखिए कल की डेट में यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर सौ रुपए का स्टॉक्स इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है इससे पहले अगर मैं बताऊं यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड दिया था यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया है इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिक लगभग लगभग पंद्रह परसेंट के रिटर्न दे चुका है दो दिन के अंदर अंदर और भी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड बातें करूं तो यहाँ पर देखिए ये शेयर से रिलेटेड बातें बताई थी मैंने ये अच्छा खासा पैसा यहाँ पर इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसी तरीके से आप अच्छे खास पैसे कमा सकते हैं बस मार्केट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है सीखने की जरूरत है और सीखने के लिए आपको हमें जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए फॉलो करिए हमें हमें फॉलो करेंगे तो अच्छी तरीके से किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा मार्केट से कमा सकते हैं वो आपको पता चलेगी तो वीडियो में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक्स जिससे मैंने आपको बताया कि अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा और का का छोटा भाई है। -X का छोटा भाई भाई है है क्यों तो आई आगे की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले दो हजार बीस से लेके अभी तक लगभग लगभग इस स्टॉक्स में हर क्वार्टर यहाँ पर पैसा यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं 26 से 27 करी 28 से इकतीस इकतीस से चौतीस चौतीस से यहाँ पर चौतीस पॉइंट सिक्स एट तो यहां पर अगर बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहां पर होल्डिंग घटती हुई नजर आई है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी है एफ जिसमें हिस्सेदारी लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं ये शेयर अब दोबारा आपको बूम होता हुआ दिखाई देगा एक लेवल पर यह स्टक हो गया स्टक इन द सेंस यहां पर इसने सपोर्ट बना लिया अब यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और मात्र यहाँ पर इस शेयर का प्राइस है एक अगर यहाँ पर देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं शेयर से रिलेटेड प्रोमोटर्स की होल्डिंग

वेबसाइट पे चलेंगे तो आपको पूरी के पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ में आएगा एक तो 22 ईयर ऑफ डेवलपिंग इंडियन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट मतलब 22 टू ईयर्स हो चुके हैं इस, इस कंपनी को यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती हुई दिखाई देती है देखिए इंडिया में ही नहीं यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर अगर बात करें पार्टनर्स है फ्रॉम भूटान बांग्लादेश नेपाल पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटीज अक्रॉस ऑल स्टेट्स ओपन एक्सेस है कंज्यूमर सर्विस पार्टनर एंड अदर स्टेक होल्डर है तो अगर बात करें यहाँ पर ये पीटीसी इंडिया करती क्या है ये पावर प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है जो कि इंडिया में ही नहीं बांग्लादेश भूटान और नेपाल में भी और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी स्टेट्स है वहाँ पर ये यूटिल ये जितनी भी पावर जनरेशन का काम है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है योर सोल्यूशन फॉर यूटिलिटीज में क्रॉस बॉर्डर पावर जो हमने देख लिया है पीटीसी रिटेल यहाँ पर कंसल्टेंसी एडवाइजर सोल्यूशन में एनर्जी एफिशियंट में रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में कंपनी काम हुई दिखाई देती तो ऐसी यहाँ पर बहुत कम दिखाई देती है जो यहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाई देगा जिसमें और कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है और भी कुछ जानने के लिए इनकी वेबसाइट पर यहाँ पर जा सकते हैं इनके स्ट्रेटेजी को एक बार देख सकते हैं एज वेल एज यहाँ पर यह कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है कैसे काम करते है एक बार एक एक करके यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो आपको पता चलती हुई दिखाई देगी और अब बात करते हैं फाइनली यहाँ पर फाइनेंस की तो देखिए बिजनेस हमें समझ में आया कंपनी पावर जनरेशन में काम करती हुई दिखाई देती है रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हुई दिखाई देती है क्रॉस द बॉर्डर सप्लाई करती हुई दिखाई देती है तो अब आ जाते हैं यहाँ पर पॉइंट पे तो पॉइंट क्या है यहाँ पर मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी किस तरीके से चलती है ये देख सकते हैं मार्केट के यहाँ देखिए शेयर यहा, इस तरीके से यहाँ भागा फिर गिरा फिर भागा फिर गिरा फिर भागा फिर गिरा, फिर भागा, फिर गिरा तो कंपनी इसी तरीके से काम करती हुई दिखाई देती है कभी भागती है कभी गिरती है तो फुल रिस्क स्टॉक है तो ये रिस्क जो ले सकता है उसी वो ही यहाँ पर इन्वेस्ट करे आज की डेट में मैंने ये शेयर खरीदा है क्यों खरीदा है क्योंकि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और कितना रिस्क लेना है वो आप, आपके ऊपर है मैंने इतना ही रिस्क लिया है जितना मैं एपेटाइट कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता उससे तो ज्यादा नीचे शेयर गिरता हुआ दिखाई देगा फिर भी गिर जाता है तो देखेंगे बायोन डिप्स करेंगे और थोड़े बहुत टाइम का वेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम वेट करते हैं थोड़ा सा तो चीजें फिर दोबारा ऊपर आती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर लॉस में निकालने वाली बात नहीं होती स्टॉप लॉस हम लगाते नहीं है ओके ट्रेडिंग हम कर नहीं रहे हैं हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम हम यहाँ पर दे सकते हैं डेट की बात करें कंपनी के ऊपर डेट है らさん

यहां पर दे सकती है सबसे पहली बात अब आ जाते हैं कुछ और पॉइंट्स की तो यहां पर हम देख लेते हैं कंपनी के ये बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि सेल्स कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी फिर यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई फिर यहाँ पर कम होने के बाद दोबारा से यहाँ देखिए तो अच्छे खासे तरीके से चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सेल्स ईयरली बेसिस पर थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है बट यहाँ पर देखिए कंपनी का प्रॉफिट भी ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंपनी का परफॉर्मेंस तो दोबारा यहाँ पर दिसंबर दो के बाद देखिए हाइएस्ट लेवल यहाँ पिछले चार पांच अगर बात करें क्वार्टर से अच्छी खासी सेल्स हो रही है नेट प्रॉफिट की बात करेंगे वो भी अच्छी खासी है और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर 120 करोड़ की सेल्स थी तो यहाँ पर 177 करोड़ की इस बार की सेल्स थी तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है तो कंपनी अच्छी खासी है कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूँ देखिए अदर इनकम यहाँ पर अदर इनकम सेवन करोड़ थी इसकी इधर अदर इनकम दो करोड़ थी वो लगभग पांच करोड़ का यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है डिफरेंस तो यहाँ पर पांच करोड़ इसमें एड कर देंगे तो वन तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है थोड़ा सा यहाँ

तो यहाँ पर समझ में आ रही है एक चीज है कि यहाँ पर दोबारा अच्छे खासे तरीके से ये दोबारा शक्कर चलता हुआ दिखाई देगा रिजर्व्स की बात करें यहाँ देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के रिजर्व्स देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बोरिंग की बात करें कंपनी के पास बोरिंग कितनी थी पर देखिए हजार करोड़ के ज्यादा थी अभी कर ना पर हजार करोड़ के आसपास ही रह गई चौरानवे सौ करोड़ के आसपास तो पर देखिए धीरे धीरे अपनी को भी कम कर रहे हो और बोरिंग को कम करने का फायदा क्या होता है बॉरिंग को कम करने का फायदा सिंपल सा ये होता है जहाँ पर इनका प्रॉफिट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट इन्हें तीन सौ करोड़ साढ़े तीन सौ करोड़ देना पड़ रहा था ओके उसकी वजह से इनके यहाँ पर प्रॉफिट पे असर आ रहा था सेम यहाँ पर अब धीरे-धीरे पर इन्हें इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है धीरे तो तो घटा है। okay? अच्छा दे तो है, है। रहे हैं इन्वेस्टमेंट की बात करें पांच करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैश की बात करें बारह करोड़ का कैश है जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है पिछली दो बार से पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है जो और यहाँ पर आर सी इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 16.22% है और ये 16.22 में अगर बात करेंगे तो देखिए पी PFC पावर फाइनेंस कोऑपरेशन NTPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज वेल एज पावर ग्रिड यहाँ पर इसके प्रमोटर्स हैं FI की बात करें FI जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूटी के साथ देखिए पहले से आते से 38 36 कम होती हुई दिखाई दी फिर उसके बाद दोबारा छब्बीस अच्छा से अट्ठाइस से इकतीस चौतीस और चौतीस पॉइंट अड़सठ तो यहाँ पर एफ आई एस हर क्वार्टर यहाँ पर खरीद रहे डी आई की बात करें डीआईएस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हिस्सेदारी यहाँ पर कम हो रही है डी बेच रहे एफ आई खरीद रहे पब्लिक की बात करें थर्टी नाइन थर्टी नाइन में से भी थ्री पॉइंट थ्री एट तो अगर लगभग बात करें थर्टी सिक्स पॉइंट समथिंग परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है तो एक तो पावर से रिलेटेड ये सेक्टर है एज वेल एज एफ आई यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है और ये एक्सचेंज एक तरीके का एक्सचेंज या पावर ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है क्यों बनता हुआ दिखाई दे सकता है अब आ जाते हैं चार्ट पे थोड़ा सा वेट करना होगा शेयर को में तो आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है अकॉर्डिंग टू मी अब यहाँ पर देखिए अगर आज भी यहाँ से अगर हम देखते हैं तो लगभग ट्वेंटी का अपसाइड नजर आता है ओके इसी टारगेट के लिए मैं आपको यहाँ पर कहूंगा कि आपको सजेस्ट करूंगा कि वन या वन फोर्टी के आसपास ये शेयर है एग्जिट कर लीजिएगा इनफ होते हैं पच्चीस बीस से पच्चीस परसेंट के रिटर्न बट यहाँ पर जाके इसकी ग्रोथ नहीं रुकने वाली क्योंकि ये ग्रोथ आगे बहुत चलने वाली है क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो जून में जिसका जिस प्राइस पे था और इस प्राइस पे ही अभी भी ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसी पॉइंट पे यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई देता इसी के आसपास पास यहाँ पर भी रुका था ओके यहीं से ये चलना शुरू हुआ था और यहाँ से अगर हम बात करें ब्रेकआउट भी देखें यहीं से ही हुआ था दोबारा चीजें यहाँ पर जैसे बिकॉज ऑफ पूरे मार्केट में प्रेशर थे तो यहाँ पर यह शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट सपोर्ट की बात करें तो जब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सौ पांच रुपये लगभग सात रुपये ये शेयर नीचे आ सकता है तो इतना लॉस इतना आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है कि इतना शेयर नीचे आ गया बट ऊपर की बात करें तो इतना, तो, इतना तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ये शेयर मुझे काफी अच्छा दिखाई देता है अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की तो मेन मुद्दे की अगर मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब भी ये शेयर टू हंड्रेड ये आ, जब भी फिफ्टी डी के आसपास या उसके नीचे आया है तो यहाँ पर देखिए चीजें निकलती हुई दिखाई दी है थोड़ा सा वेट करने पर और एफ आई जिस तरीके से यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं दोबारा यहाँ पर इसी तरीके का एक आ, 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 बाइंग आएगी दोबारा इस तरीके से खरीददारी होगी ये शेयर फिर दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर कल भी इसी प्राइस पर बंद हुआ और दिखाई देंगी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ पर अच्छे खासे गेंद देते हुए दिखाई देगा और भी इसमें बहुत सारे चार्ट पैटर्न बन रहे हैं जो की अगर हम बात करें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है बट स्टिल मैं इतने लंबे चार्ट पैटर्न की यहाँ पर अभी बात नहीं करूंगा मैं बात कर रहा हूँ केवल तीस परसेंट की एक बार यहाँ पर ये रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे फिर उसके बाद दोबारा मैं इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आगे के टारगेट से रिलेटेड हम बातें करेंगे बट यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सपोर्ट करना क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपको शेयर ढूंढने के लिए कि इस तरीके के शेयर आपको बताया जाए कि आपका मिनिमम रिस्क के साथ हाइएस्ट रिटर्न मिल सके एज वेल एज हमारी स्ट्रैटेजी आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम काम करते हैं सिखाते हैं पूरे अच्छे तरीके से तो यहाँ पर आप मार्केट में सीख के पैसा लगा के अच्छा खासे पैसे कमा सकते हैं तो वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दे रखा है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो सो थैंक यू मच ब्लेस